प्लस ट्रस्ट की शुरुआत हमने 2008 में की और इसका मेन आइडिया था कि हम एजुकेशन पर और एनिमल वेलफेयर पर काम करें। 2016 में हमने प्लस ट्रस्ट का उदयपुर चैप्टर शुरू किया, जिसमें यहाँ पे महिलाओं की स्थिति देख के हमें लगा कि हमें महिलाओं के लिए एजुकेशन फेलोशिप्स शुरू करनी चाहिए। तो इस फेलोशिप में अधिकतर हम ग्रामीण इलाकों से महिलाओं का चयन करते हैं और वर्कशॉप के बाद हम उम्मीद करते हैं कि एक समय में वो हमें एक प्रपोज़ल सबमिट कर सकें और फिर इस प्रपोज़ल के आधार पर उनको फेलोशिप्स एलोकेट की जाती है। इस वर्कशॉप के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि उन्हें नए नए आइडियाज़, नए नए विचार और नए नए काम जो ऑलरेडी एजुकेशन में हो रहे हैं उनसे परिचय करवाएं। मैं सनावत खरगोन जिला से मध्य प्रदेश से आई हूँ। मैं भोपाल से। मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के पांडुना शहर से आई। आई एम फ्रॉम मणिपुर साइको। आई एम फ्रॉम मणिपुर साइको। मैं लापसा ग्राम पंचायत से आई हूँ, रेलमंगरा ब्लॉक रासमंद। ये सारी ही महिलाएं जो थीं ये बहुत ही ग्रामीण इलाकों से आ रही थी, कईयों को चार चार दिन लगे पहुँचने में। हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स मणिपुर से भी थे, उनको भी बहुत समय लगा आने में, लेकिन खुशी की बात यह है कि सभी आए। जितनी भी महिलाएं आईं उन्होंने बहुत ही उत्साह से इस वर्कशॉप में भाग लिया। इनमें से कई महिलाएं, अधिकतर महिलाएं ऐसी थीं जो अपने राज्य से पहली बार बाहर निकल रही थीं, और इनमें से करीब 3 महिलाएं ऐसी भी थीं जो अपने ज़िले से आज तक बाहर नहीं निकल पाई हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की एक कार्यशाला का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिन महिलाओं पे हमेशा उनकी लाइफ में पाबंदी लगाई गई है कि वो कहीं जा नहीं सकती, अकेले नहीं जा सकती, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो बाहर निकलें और जगहों को एक्सप्लोर करें और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। एंड सबसे ज़्यादा खुशी यही देखने की थी कि वो बहुत खुश थी यहाँ आके। जैसे कि हम यहाँ इस वर्कशॉप में बहुत सारे ऐसे एनजीओज एक्सपर्ट्स को या कोई जना जो अपना खुद का काम कर रहा है उनको बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वेरियस मीडियम से पढ़ाने का सीखा जा सके। हमारे पास गिरीश महाले थे जो कि प्लस ट्रस्ट के पहले फेलो रह चुके हैं और वो मध्य प्रदेश में काम करते हैं। वो अपने आप को एक शिक्षा वैज्ञानिक कहते हैं और वो काफ़ी काम करते हैं अलग अलग तरीकों पे, जिससे खासतौर पे विज्ञान के विषय में, जिससे आप जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ हो गया उसे सिंपल तरीके से, खेल के तरीके से कैसे समझा सको, या फिर सिंपल मशीन्स का कॉन्सेप्ट हो गया उसको आप कैसे, आपके पास जो वस्तुएं अवेलेबल हैं जैसे आइसक्रीम स्टिक हो गई या लकड़ियाँ हो गई, पत्ते हो गए, उनसे कैसे बना के दिखा सको। अनुभव से सीख रहा हूँ, तो ये असल में अनुभव से सीख रहा है ना। आप इसको देखो ध्यान से, इसको समझ में आ गया क्या है। इस फेलोशिप में जो एक बड़ी खास बात है वो ये है कि जो ग्रामीण स्तर पर जिनके अंदर बहुत जिल है, बहुत मतलब तीव्र इच्छा है, जिज्ञासा है और लगाव है कि अपने क्षेत्र के लिए शिक्षा में कुछ करना है, इस तरीके की महिलाओं को एक तरीके का तकनीकी और फाइनेंशियल आर्थिक मदद है, सपोर्ट है कि वो अपना खुद का इनिशिएटिव अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी समुदाय के लिए खड़ा कर सके शिक्षित करने के लिए। तो ये जो आर्थिक सपोर्ट है, जो एकदम शुरुआती दौर में जब महिलाएं अपना काम शुरू करती हैं तब वहाँ पर उनको एक तरीके की आर्थिक स्वतंत्रता देता है कि वो अपने आइडिया पर काम कर सके, इनफैक्ट इनोवेट कर सके और फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बड़ी खास बात इस फेलोशिप की है और इसमें मेरा रोल ये रहा कि हमने जो जब फेलोशिप स्टार्ट होती है, चीज़ें होती है, तो जो कार्यशाला होती है महिलाओं के साथ शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा और पेडागॉजी पर, शिक्षा विज्ञान पर, यानी सिखाने के रुचिपूर्ण तरीकों पर जो लोकल संसाधनों की मदद से सिखाया जाए, इस पर महिलाओं की समझ बन सके। शुरुआत इस वर्कशॉप की हुई जब महिलाओं ने अपने आप एक डीसी मोटर बनाई। अब डीसी मोटर एक बहुत ही, अगर आप सुनेंगे तो लगेगा एक इंजीनियर का काम है और एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ों से ये बनाई जा सकती है। और जब महिलाओं ने इसे खुद बनाकर देखा, उन्हें यकीन नहीं हुआ,
उनके लिए एक बहुत खुशी का पल था वो, जब उनके हाथ में एक डीसी मोटर घूम रही है उनकी खुद की बनाई हुई। तो इससे हमने जैसे कोशिश की उन्हें समझाएं कि कर के देखने में, जो कर के देखने की प्रक्रिया है वो कितनी ज़रूरी है किसी भी एजुकेशन के क्षेत्र में। तो हमारा ये एक एग्ज़ाम्पल है, चार दिनों में ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पे हमने शिक्षा के जो आधार है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन पे फोकस करने की कोशिश की। तो इस बार हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया, जैसे नाट्यांश के ग्रुप आए थे, उदयपुर के एक लोकल थिएटर ग्रुप है वो, उन्होंने महिलाओं के साथ कई थिएटर एक्टिविटीज़ करी और थिएटर के साथ उनको ये समझाया कि कैसे आप थिएटर को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो जब आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हो। उसी तरह हमारे साथ लोकल स्टोरी टेलिंग आर्टिस्ट राधिका जुड़ी, उन्होंने महिलाओं को कहानियाँ सुनाई, अलग अलग तरीक़ों की कहानियाँ सुनाई और कुछ इंस्पिरेशनल कहानियाँ जिससे उनको प्रेरणा मिले, और किस तरीके से आप माहौल बना सकते हो कहानियों के माध्यम से, और कठिन से कठिन चीज़ को सरलता से आप पहुंचा सकते हो, इसका भी ज्ञान दिया। हमारे पास कार्यशाला में ऐसे भी एक्सपर्ट्स आए थे जिन्होंने खुद लोकली एक स्कूल की स्थापना करी है, बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज, उनके पास कुछ भी नहीं था, उससे शुरू किया। तो उन्होंने महिलाओं को बताया कि कैसे आपके लिए लोकल फंड रेजिंग या लोकल रिसोर्स मोबिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हो। हमने फील्ड से ऐसी औरतों को भी बुलाया जो बहुत सालों से महिलाओं के साथ काम कर रही हैं, ख़ास तौर पे उनकी शिक्षा को लेके, उनके साथ जो हिंसा होती है उसको लेके, और गवर्नेंस में ख़ास तौर पे महिला सरपंच हिस्सेदारी के ऊपर काम कर रही हैं, ताकि वो हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। हमने महिलाओं का फील्ड विजिट भी कराया, जतन संस्थान यहाँ पर एक सेंटर चलाती है उन बच्चों के लिए जो कठपुतली बनाने वाले समुदाय से जुड़े हुए हैं। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने जो भी सीखा दो तीन दिनों में, नाटक को लेके, कहानियों को लेके, उन्होंने बच्चों के साथ उसको उतारा। तो उनके लिए ये एक हैंड्स ऑन तरीका भी था जो उन्होंने सीखा उसको फील्ड पे उतारने का। इस वर्कशॉप का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो आइडियाज़ वो लेके आ रहे हैं वो और अच्छी तरह फिल्टर हो जाए, और जो एंड प्रोडक्ट एक तरह से उनको समझ में आए कि उन्हें अगले छः महीने में उन्हें ये चीज़ें करनी है ताकि वो आगे जा सकेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन है वर्कशॉप उनके एजुकेशन फील्ड से, और इस बार हमने ये वर्कशॉप चार दिन के ऑर्गेनाइज़ की है जिसमें बहुत सारे फील्ड लेवल एक्सपर्ट्स जो एजुकेशन में काम करते हैं वो आए और उन्होंने अपनी बातें रखी। 5, 4, 3, 2, 1, go!